हाय गाइस, मैं अनुपम मेकअप आर्टिस्ट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको डार्क स्किन पे और अच्छे से मेकअप करके दिखाऊंगी, बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लुक आएगा, आप एंड तक जरूर देखिएगा। मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप मेरे मॉडल का बिफोर लुक देख लीजिए, फिर लास्ट वाला लुक देख लीजिएगा। अब हम अपने क्लाइंट के ऊपर ऑर्डिनरी का सीरम यूज करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट के कलर जो है बहुत ही ज्यादा डार्क है इसी वजह से, और अच्छे से उसको हम मिक्स कर। सीरम अच्छे से यूज करने के बाद हम मॉइस्चराइजर लिए हैं, मॉइस्चराइजर को अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे उसको, क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाने से फ़ायदा ये होता है जो आपको मेकअप फटा हुआ नहीं दिखता है, नीट एंड क्लीन दिखता है, इसलिए मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहले मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हमने प्राइमर यूज किया, प्राइमर लगाने के बाद हमने क्रिसिन कंपनी का ये कलर करेक्टर यूज कर रहे हैं, वो डार्क स्पॉट को छुपाने के लिए काम आता है। जहाँ जहाँ डार्क स्किन है वहाँ वहाँ पे आप ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज कर सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा होता है। इससे आपका डार्क स्किन दिखाई नहीं देता है, वो सारे के सारे दाग धब्बे सब छुप जाते हैं, इसे अच्छे से आपको ब्लेंड करना पड़ेगा। अब हम यूज करने वाले हैं गुड गोस का फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का जो शेड है वो थोड़ा सा डार्क है। आप जब भी डार्क कम्प्लेक्शन पे मेकअप करना स्टार्ट करेंगे तो लाइट शेड नहीं उठाना है, डार्क शेड ही उठाना है। लाइट शेड उठाइएगा तो फिर आपका मेकअप बहुत ही भद्दा दिखेगा और फटा हुआ दिखेगा, इसीलिए डार्क शेड से ही शुरू करना है। इसके बाद हम डिब्रिनी का एक डर्मा बेस लिए हैं और वो मीडियम शेड पहले लगाए थे, अभी डार्क शेड लगा दिए हैं। अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से मिक्स कर रहे हैं, अच्छे से फेस पे हर जगह पे ब्यूटी ब्लेंडर से मिक्स करके। अब हम बिग कवर का कंसीलर यूज करने वाले हैं आई के ऊपर और जहाँ जहाँ छूटा हुआ है फाउंडेशन, जहाँ जहाँ नहीं लगाए हैं वहाँ पे लगाएंगे कंसीलर अच्छे से। उसके बाद हम फिर लूज पाउडर लगाएंगे, लूज पाउडर से मेकअप को फिक्स करेंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं मेरे क्लाइंट का फेस थोड़ा सा बड़ा है, तो इसीलिए हम अब कंट्रोल ले रहे हैं, कंट्रोल से थोड़ा सा फेस को हम छोटा करेंगे कट करके, और इससे थोड़ा सा फेस छोटा दिखता है, इसीलिए कंट्रोलर का यूज किया जाता है। कंट्रोलिंग करने के बाद हम फिर ब्लशर उठाएंगे और ब्लशर हम दोनों चीक पे लगाएंगे अच्छे से। आपको जो भी कलर पसंद लगे वो लगा दीजिएगा, पिंक वैसे ज़्यादा ही अच्छा लगता है, लाइट पिंक में दोनों चीक पे लगा दीजिएगा अच्छे से, फिर ये ब्रश से अच्छे से उसको ब्लेंड कर दीजिएगा। ब्लशर लगाने के बाद हम लोग जाएंगे आई मेकअप करने के लिए, तो आई मेकअप करेंगे, और मैं पहले भी आई मेकअप का बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी हूँ, एक बार आप वो भी देख लीजिएगा। आई मेकअप करने से पहले हम पहले आईब्रो को सेट करेंगे, उसके बाद हम शेडो पे आएंगे, फिर आईलैशेस लगाएंगे, फिर मस्करा, फिर आईलाइनर। करने के बाद हम लोग आँख के नीचे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, थोड़ा सा चीन पे हाईलाइट करेंगे, फिर थोड़ा सा माथ पे हाईलाइट करेंगे, नोज पे अच्छे से हाईलाइट करेंगे। हाइलाइटर लगाने के बाद अब हम लिप लाइनर का यूज करेंगे, पहले लिप लाइनर से अच्छे से शेड बनाएंगे, फिर उसके बाद हम अच्छे शेड में लिपस्टिक उठा के लगा देंगे। लिपस्टिक लगाने के बाद हम लोग आएंगे अब हेयर पे, हेयर में आपको आगे से पॉप और पीछे से जुड़ा बंद लगाएंगे, अच्छे से जुड़ा बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, अगर आपको इसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम फाइनल लुक देख लीजिए, तैयार हो गया कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट में जरूर। ओके बाय।